मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव रेड चैप्टर नंबर 9, प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शन। इन दैट क्लास वी हैव रेड अबाउट फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ प्लांट and root system. Today we are going to study about shoot system. Shoot system is the aerial part of a plant. It includes main stem, branches, leaves, buds, flowers, fruits and seeds. It develops from the plumule of the seed. Jo baby plant hota hai, when it grows, then its upper पार्ट इज नोन एज प्लूम्यूर, जहाँ से शूट सिस्टम ग्रो करता है। नाउ स्टेम, द स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम, मेन पार्ट। इट इज ग्रीन इन हर्बेसियस प्लांट्स बट वुडी एंड हार्ड इन शर्ब्स एंड ट्रीज। ये ट्रीज में वुडी होता है, हार्ड होता है, लेकिन हर्ब्स यानी जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें ये ग्रीन कलर का होता है। Now here are some characteristics of stem. First one, stem grows towards light. आपने देखा होगा कि जो stem है, तना होता है plants का, वो light यानी ground के ऊपर की ओर बढ़ता है। It grows away from the soil and water. Soil और water यानी soil ground पे होती है और water भी roots में दिया जाता है और उनसे ये opposite direction में grow करता है। It has nodes and इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स में नोड्स स्टेम के ऊपर वो पार्ट होता है जहाँ पर लीव्स ग्रो करता है, और इंटरनोड यानी टू लीव्स के बीच में जो स्पेस होता है डैट इज नोन एज इंटरनोड। नोड्स यानी जहाँ से लीव स्टेम के ऊपर ग्रो करता है, और इंटरनोड विद द स्पेस बिटवीन द टू लीव्स इज नोन एज इंटरनोड। The angle between leaf base and stem is called leaf axis. यानी leaf base और stem के बीच में जो angle बनता है that is known as leaf axis. As is shown, if it is a shoot, then a place in between the stem and leaves, it is known as leaf axis. Stem bears leaves, branches, buds, flowers and fruits. स्टेम के ऊपर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स ग्रो करते हैं। यंग स्टेम्स आर ग्रीन बट ओल्डर वुडी स्टेम्स आर नॉन ग्रीन एंड हार्ड। जनरली जो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, चाहे वो ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं या शर्ब्स हैं, उनकी स्टेम जो होती है ग्रीन होती है, पर जैसे जैसे ट्री बड़ा होता जाता है, प्लांट बड़ा होता है, तो इसकी स्टेम हार्ड, नॉन ग्रीन और वुडी हो जाती है। स्टेम कनेक्ट्स द रूट सिस्टम विद रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट। स्टेम रूट सिस्टम को बाकी सारे प्लांट के पार्ट से ज्वाइन करता है। जो मिनरल और वाटर है, रूट से लेकर स्टेम ही सभी पार्ट्स तक पहुंचाती है। नाउ वी विल रीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम आर फर्स्ट स्पॉट। स्टेम स्पॉट्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम जो है ब्रांचेस लीव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को सपोर्ट देती है। सेकेंड, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इट ऑल्सो कंडक्ट्स फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी जो रूट्स में वाटर दिया जाता है और मिनरल होते हैं सॉइल में, उन सबको प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक स्टेम पहुंचाती है। सेकेंडली, जो लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं उस फूड को रूट्स तक पहुंचाने का काम भी स्टेम करती है। थर्ड इज, हेयर इज गिवन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यानी स्टेम जो है कहीं पर मॉडिफाइड हो जाती है, कुछ दूसरे फॉर्म में होती है, जिससे कि ये कई और फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट वन, हेयर इज गिवन मॉडिफाइड स्टेम मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। स्टेम
In some plants, it prepares food. The green stem of annual plants synthesizes food by photosynthesis. जो photosynthesis process से stems food prepare करती हैं. In cacti and succulents, the stem becomes greens and flattened. आपने देखा होगा cactus plants में जो stem होती है वो fleshy होती है. Fleshy इसलिए क्योंकि उसमें वाटर होता है, ग्रीन कलर की होती है और फ्लैटेंट यानी खूब चौड़ी होती है, जिसकी वजह से ये इजीली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करती है एंड प्रिपेयर्ड फूड. स्टोरेज ऑफ फूड इन पोटैटो, जिंजर एटसेट्रा. द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स फूड. पोटैटो और जिंजर में स्टेम्स जो हैं फूड स्टोर करती हैं और ये स्टेम्स अंडरग्राउंड होती हैं. नेक्स्ट, हेयर इज गिवन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. इन सम प्लांट्स लाइक ग्रेपवाइन एंड पैशन फ्लावर द स्टेम इज वीक एंड सम ब्रांचेज आर मॉडिफाइड इनटू शेड लाइक स्ट्रक्चर. दे आर कॉल्ड स्टेम टेंड्रिल्स. आपने भी देखा होगा अगर हम देखें जो पीज होते हैं मेनली स्वीट पीज में या ग्रेप वाइन में जो स्टेम्स हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाती है और इट गिव्स सपोर्ट टू द वीक प्लांट्स. इन रोज लेमन एंड बोगनविलिया. रोज में लेमन ट्री पर लेमन की जो बुश होती है द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. स्टेम थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती है. दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल. जब इनमें कांटे होते हैं यानी स्पाइंस होते हैं थॉर्न्स, तो इससे ये ग्रेजिंग एनिमल से प्लांट्स की प्रोटेक्शन करती है. ऑल दीज आर ऑल्सो फंक्शंस ऑफ स्टेम्स. ये स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीव्स. लीव्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. एज हेयर आर गिवन कंपाउंड लीव्स which we will read just in next point and single leaf. You have read about leaves in your previous classes also in fourth class. Leaves, the food factories of plants. Leaves जिन्हें plants की food factories कहा जाता है क्योंकि इसमें leaves जो है food prepare करते हैं. Even it is also known as kitchen of the plants. The leaves are green and flattened structure. Flattened means फैले हुए चौड़े. They arise from the nodes of stem and branches. Structure of a leaf. A typical leaf consists of the following parts. Leaf base. Leaf is attached to the stem with its leaf base. Petiole. It is the leaf stalk. It connects the leaf blade with the leaf base. पेटियोल ये लीफ का स्टॉक होता है जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़ता है. थर्ड वन, लेमिना और लीफ प्लेट. दिस इज द ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ. जो ग्रीन और फ्लैट और एक्सपेंडेड फैला हुआ पार्ट होता है लीफ का, इसे लेमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं. मिडरिप एंड wings. It forms the middle axis of the leaf plate. Leaf के बीच में से जो एक line जाती है सीधी axis होता है that is known as midrib. The lateral branches arising from the midrib are called wings. The wings branch into the fine winglets. जो और फाइन ब्रांच्ड होती है वेन्स के दोनों तरफ दो जार नोन एज विनलेट्स. द नेटवर्क फॉर्म बाय द वेन्स एंड विनलेट्स इन द लेमिना इज कॉल्ड विनेशन. द नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स इन द लेमिना इज कॉल्ड विनेशन. इन डाइकॉट लीव्स यानी आपने देखा होगा फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा इफ वी टेक डाइकॉट सीड्स. Dicot seeds like peas and grams, they are dicot seeds and or called dicot leaves. They have venation reticulate. Their venation is reticulate, whereas in monocot leaves like rice or wheat,
the venation is parallel, as all the veins run parallel to the midrib. Here I am showing all the parts of leaf. In this leaf, just see here, leaf base. It is the leaf base of the leaf. Then here is the petiole. I can show here clearly. It is petiole of the leaf. Then this flattened part of the leaf is known as lamina or leaf blade. Then it is known as leaf axis. Upar jo iska part hai, it is called leaf axis, and the axis going from the petiole or stalk to the leaf axis is known as midrib, and the fine lines which are on the sides of the midrib is known as veins. It is known as veins. And the network of veins and veinlets, which are very fine lines in the leaf, is known as venation. Now we will read photosynthesis. Leaves prepare food for the plant in the presence of chlorophyll and sunlight and carbon dioxide of the air. Second one, transpiration. It is the loss of water in the form of water vapor from the leaves of plants through their stomata. In other words, we can say evaporation from the surface of leaves is known as transpiration. It loses extra water. Respiration. At night, when there is no photosynthesis process, the leaves of plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Night में stomata के through जो leaves में present होते हैं stomata, plants breathing process करते हैं. Yes, here is given types of leaves. Leaves are of two types, simple leaves and compound leaf. Simple leaf, the lamina is undivided, as in mango, peepal, china rose and mustard. Here I am showing you simple leaf. It is of guava. And here is compound leaf. The lamina of leaf is divided because the incisions of lamina reach up to the midrib. This is compound leaf. Yes, now modification of leaves. In some plants, a leaf or part of leaf is modified to perform some special functions. These functions are listed here. First one, chandrils for spot. In creepers, the leaves or leaflets are modified into spring-like structures. These are called leaf chandrils, yani dhagi ki tarah thread-like structures ban jate instead of leaves. And these help in climb up the plants. For example, sweet pea, spines for protection. In prickly poppy, leaf margins bear spines to protect the plant from grazing animals. Grazing animals se plant ko protect karne ke liye kuch plants mein leaf spines mein modified ho jate hain. In cacti, the leaves are modified into spines to avoid loss of water by transpiration. In insect eating, means insectivorous plants, the leaves are modified into pitcher, bladder or fly trap for catching and digesting insects. Okay students, thank you. Read your chapter 2-3 times carefully and try to do checkpoints or book work. Okay, thanks. Forest plants, the leaves are modified into pitcher, bladder or fly trap for catching and digesting insects. Okay students, thank you. Read your chapter 2-3 times carefully and try to do checkpoints or book work. Okay, thanks.